हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मी ट्यूब चैनल लाबा टिप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक ट्रिक दिखाने वाला हूँ, सिंपल सा एक ट्रिक लेकर आया हूँ, तो आप लोगों को वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूँ वो ट्रिक क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका मोबाइल का जो स्टोरेज है वो ज़्यादा कम है, तो प्ले स्टोर से जो भी एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल करते हैं तो वो डायरेक्टली स्टोरेज में सेव हो जाता है, मतलब स्टोरेज फुल हो जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक दिखाने वाला हूँ। आप लोगों को बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो आप लोगों को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, तो आप लोगों को कहाँ से लेना है मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, प्ले स्टोर से जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वो स्टोरेज में सेफ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, एक ट्रिक फॉलो करना है। उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर फेसबुक नहीं दिखा रहा है इस पेज पर, तो आप लोगों को जाना है क्रोम ब्राउज़र में। यहाँ पर आप लोगों को डेस्कटॉप में जो यहाँ पर जो फेसबुक दिखा रहा है कोई भी एप्लीकेशन पर आप लोग कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो नेट है मैं ऑफ करके रखा हूँ, तो नेट को ऑन कर लेता हूँ पहले। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर जो फेसबुक है वो ओपन होकर आ गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो फेसबुक है इसको मैं होम स्क्रीन पर ले जाऊँगा एप्लीकेशन की तरह। उसके लिए आपको फ्रेंड्स, यहाँ पर जो थ्री डॉट वाला ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग की यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा एड टू होम स्क्रीन, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर जो फेसबुक जो नेम है इसको आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नाम दे देता हूँ, यहाँ पर मैं दे देता हूँ FB। उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ऐड ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही जो ये जो फेसबुक है वो डायरेक्टली होम पर सेव हो गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गया FB नाम का फेसबुक यहाँ पर दिखा रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये जो फेसबुक है, ये डेस्कटॉप का जो फेसबुक है, ये यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। तो आप लोगों को सिर्फ फेसबुक ही नहीं, आप लोग जो भी एप्लीकेशन आप लोगों को लगे वो आप लोग यहाँ से आप लोग डायरेक्टली होम स्क्रीन पर ले सकते हो। वो कैसे, यहाँ पर आप लोग को क्रोम ब्राउज़र में आना है। फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, जो भी है वो आप लोग डायरेक्टली होम स्क्रीन पर सेव कर सकते हो। फ्रेंड्स, मुझे इस वीडियो में आप लोग यही ट्रिक दिखाना था। अगर आपका स्टोरेज ज़्यादा कम है तो आप लोग ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।